हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा फ्रॉम नेहाज बायोलॉजी। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। बट आप सोचोगे कि ये वाला टॉपिक तो मैंने पहले करवा दिया है, तो मैं फिर से क्यों करवा रही हूँ। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं क्लमाइडोमोनास के अंदर। ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया है, और आप में से एक स्टूडेंट थे जिनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पे हम सेम टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी क्लमाइडोमोनास जो है, जो कि एक ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किस तरीके से देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक टाइप का इनहेरिटेंस है जिसके अंदर जो जीन्स या फिर डीएनए जो कि न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक एरिया या फिर सर्टेन ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर एग्जिस्ट करता है, उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के अंदर। आपको ये चीज़ पता होगी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को हम यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैटर्नल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। मैटर्नल इनहेरिटेंस इसलिए क्योंकि बोला जाता है कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हमेशा मदर का गैमीट जो होता है वो कैरी करता है और नेक्स्ट जनरेशन तक भेजता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्योंकि साइटोप्लाज्मिक एरिया में लाई करते हैं, और साइटोप्लाज्म एग का होता है जो जाइगोट में ट्रांसफर होता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस को हम मैटर्नल इनहेरिटेंस या यूनिपेरेंटल, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लमाइडोमोनास में जो भी मेटिंग टाइप्स होते हैं, मतलब कि जो भी मेल एंड फीमेल्स होंगे, वो मेटिंग टाइप्स को हम डिनोट करते हैं MT+ एंड MT- से। MT+ एंड MT- सिर्फ हम कंसीडर करवाते हैं कि MT इज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो आपको पता होगा प्रेजेंट किसका है, मतलब कौन गैमीट है जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है, वो है फीमेल। तो फीमेल को हम डिनोट करते हैं MT+ से, और जो मेल होते हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं MT- से। जो भी ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्लमाइडोमोनास के अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है रुथ सागर। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये पूरा काम किया था क्लमाइडोमोनास के ऊपर, 1954 में इनका काम हुआ था, और इन्होंने एक टाइप के स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन्स के ऊपर काम किया था। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव म्यूटेंट्स। इन म्यूटेंट्स के ऊपर इन्होंने काम किया था। क्लमाइडोमोनास के ये म्यूटेंट्स होते हैं, और इन्हें जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, SMS। तो S जो है वो सेंसिटिव के लिए, और SM जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए है। तो इसके म्यूटेंट्स पे क्लमाइडोमोनास के अंदर रुथ सागर ने काम किया था, और इनका इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो शो किया था बाय अ पर्टिकुलर क्रॉस। तो एक क्रॉस उन्होंने करवाई थी बिटवीन स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। तो दोनों के बीच में क्रॉस करवाई, और उससे उनको कोई रिजल्ट मिला जिस रिजल्ट के बारे में इन्होंने बताया था। अब वो क्रॉस किस टाइप की थी, तो वो क्रॉस भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ किस तरीके की क्रॉस उन्होंने करवाई थी। तो जैसे मैंने बोला स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, उन्होंने दो टाइप के स्ट्रेन्स लिए थे। तो उन्होंने दो क्रॉसेस करवाई थी, एक जिसे हम क्रॉस 1 लिख रहे हैं। क्रॉस 1 उन्होंने करवाई थी ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट वाले स्ट्रेन के साथ जिसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टर था। इसकी क्रॉस इन्होंने कराई माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें एब्सेंट था और स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव जो स्ट्रेन था इसके साथ। तो आप लगा सकते हो कि MT+ जो होगा वो क्या होगी, फीमेल होगी, और MT- जो है वो मेल है। तो इन्होंने फीमेल स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट ली,
और मेल जो लिया वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव लिया, और इसके बाद जो भी इन्हें प्रोजेनी मिले वो प्रोजेनी मिले सारे के सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट वाले। तो आप देख सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जो कि मदर के अंदर कैरेक्टर था वो प्रोजेनी के अंदर गया। सिमिलर टाइप की क्रॉस उन्होंने एक और करवाई क्रॉस टू, और ये जो क्रॉस टू थी इसके अंदर क्या फीचर था तो मैं आपको बता देती हूँ। क्रॉस टू जो थी वो रेसिप्रोकल क्रॉस थी क्रॉस वन की, यानी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्लस यानी जो फीमेल्स थी वो फीमेल्स थी सेंसिटिव वाली, स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव, वहां रेजिस्टेंट थी यहाँ पे सेंसिटिव थी, और इनकी क्रॉस कराई माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट वाले स्ट्रेन के साथ जिनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव वाला रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंट मदर थी, यहाँ पे फादर होंगे यानी मेल इंडिविजुअल होगा। और जब इन्होंने क्रॉस करवाई और इन्हें जो भी प्रोजेनी मिले वो सारे प्रोजेनी इन्हें सेंसिटिव वाले मिले। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली एक चीज क्लियर हो रही होगी कि जो भी स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट या स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव फीचर है वो हमेशा उस इंडिविजुअल से आ रहा है या उससे इनहेरिट हो रहा है जो कि मदर है, क्योंकि मदर ही जीन्स का ट्रांसमिशन कर रही है नेक्स्ट जेनरेशन में, और माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो मदर का जीन्स को ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हैं या फिर यूनी पेरेंटल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो क्लमाइडोमोनास के अंदर आता है, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से मैटर्नल इनहेरिटेंस क्लमाइडोमोनास में स्टडी की गई थी। तो इसी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको बताया कि ये टॉपिक होता क्या है, किस तरीके से इसे हम समझते हैं। तो हम कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि जो भी प्रोजेनी है वो हमेशा स्ट्रेप्टोमाइसिन का फिनोटाइप एमटी प्लस पेरेंट से लेते हैं यानी मदर से लेते हैं, और इसी चीज को यूनी पेरेंटल इनहेरिटेंस बोला जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला होगा उसमें मुझे टॉपिक भेज सकते हैं, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊंगी। और अगर आपको फिजिबल लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक बता दो तो वो भी चलेगा, मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और उसके थ्रू जो भी आपका टॉपिक होगा उसे भी उसके लिए रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।